अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप हैरियत से होंगे। आज हम आयरा को लेकर जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर। इसको लेके जा रहे हैं पार्क, वहाँ पर ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर ले थोड़ी देर, क्योंकि ये भी बहुत सिक हो जाती है घर रह 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 रह। आज इसके डैडी ने बोला कि चलो उसको बाहर ले जाते हैं, क्योंकि उनको भी आज यूनिवर्सिटी से और काम से छुट्टी थी और मुझे भी आज छुट्टी थी, तो सोचा कि चलो इसको हम बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा घर रहती है आजकल, तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम इसको इतनी ज़्यादा बाहर नहीं लेकर जाते, तो आज डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर इसको बाहर ले जाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, और कुछ चीज़ें भी मुझे सुपर मार्केट से लेनी थी, तो हमने सोचा कि चलो फिर आज चलते हैं। ये अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, हमारे घर से ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव है अगर ट्रैफिक ना हो तो, वरना अगर ट्रैफिक हो तो फिर बहुत हमें टाइम लग जाता है यहाँ पहुंचने में। यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं और आयरा को उसकी गाड़ी निकाल कर दे रहे हैं कार कि वो ड्राइव करे, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू था, सूरज ग्रूब हो रहा था। आयरा, आयरा दे देखो, आयरा दे, बाय बाय, लेट्स गो, चलो आयरा चलो। ये अभी हम लोग आ गए हैं बीचेस पे, यहाँ ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सेस में और लेस प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ से हम लोग ज़्यादातर दूध, सीरियल और इस तरह की चीज़ें, पानी और ये सब कुछ खरीद लेते हैं। इसकी मेंबरशिप होती है, हर साल आप उसकी मेंबरशिप को रीन्यू करवाते हो। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आज हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ से मैं आयरा के पैम्पर भी ले लूँगी। आयरा का पैम्पर का साइज़ है 5, तो 5 साइज में स्वाडलर्स वालों के, स्वाडलर्स के पैम्पर सबसे बेस्ट होते हैं, तो मैं इसके लिए एक ये बॉक्स ले लूँगी। इसमें ऑलमोस्ट 116 होते हैं, जो कि आपके 1 मंथ आराम से निकल जाता है। पटावल किचन के लिए और बाकी हाउस के क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, तो ये हमें मिल जाते हैं 2849 का ए बिग बैग, तो ऑलमोस्ट इससे आपका 1 मंथ आसानी से निकल जाता है।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज वगैरह होती हैं। सो ये डिटर्जेंट है जो हम यूज़ करते हैं, ये सबसे बेस्ट डिटर्जेंट होता है। इसकी प्राइस है 22.99, तो ये भी हमारा एक मंथ आराम से निकल जाता है। आयरा, फिर मैंने बन ले ली है, डिश वॉशर भी ले लिया है, ये सारी वेजिटेबल सेक्शन है। यहाँ पर अब हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली थी और हम लोग गाड़ी में रख रहे थे। मैंने ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे घर में थे, और बाकी हम लोगों को बस डिटर्जेंट चाहिए था, मिल्क, आयरा की कुछ चीज़ें चाहिए थी और पेपर टॉवल वगैरह, एग्स और ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं। आयरा यहाँ पर बैठ कर आइसक्रीम खा रही थी, उससे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, उसको हमने काफ़ी मना किया कि मत खाओ बाहर, जो है आजकल बहुत ज़्यादा वो लोग मना कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी कोई चीज़ मत खाएं, ना ही अपने फेस को टच करें, लेकिन आयरा बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और इसके डैडी से फिर बहुत गु़स्सा कर रहे थे कि मत खाओ, लेकिन ये जो है बस अपनी मर्ज़ी करती है। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। ये अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।